हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं क्या करने वाली हूँ वो आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे रख लिया है और ये हमारे घर से निकला हुआ करेले का सीड है, तो इसे मैं आज लगाऊँगी। और ये कोई फ्रूट का सीड है तो इसे मैं बाद में लगाऊँगी। और इतना घास को मैंने निकाल लिया है फ्रेंड्स। और ये सब देखिए, कल शाम को कोलियस लगाया था, तो इस तरीके से मैं इस लाइन में सोच रही हूँ कि सारा कोलियस ये सब लगा दूँ। और इधर देखिए फ्रेंड्स, गेंदे के छोटा छोटा प्लांट को मैंने और लगा दिया, और कॉस्मस को भी लगाया है। तो इस तरीके से लाइन से लगाएंगे तो खिलता भी रहेगा और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स। और देखिए कितना खूबसूरत ये सब हमारा गुलाब अब खिल रहा है, सारे ब्रांच पे कलियाँ आई हुई हैं। और ये देसी गुलाब है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सभी पे। और देखिए इधर मैंने इतनी गुड़ाई कर दिया है और इधर ही मैं करेले को लगाऊंगी। और अब उधर मुझे करना है, तो चलिए हम आपको करके भी दिखाते हैं फ्रेंड्स। और इधर फ्रेंड्स, कल मैंने पालक को लगाया था और देखिए इधर इस तरीके से लाइन बना दिया है। बस थोड़ा सा ही लगाऊँगी फ्रेंड्स, ताकि इधर बैठने के लिए भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने ढेर सारा कटिंग को लगाया है। और देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत इधर खिल रहा है पर्पल हार्ट वगैरह, आप देख सकते हैं। सुबह सुबह ही खिल गया है फ्रेंड्स, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पर्पल हार्ट। और इसके कलर भी देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये पता नहीं क्या चीज़ का प्लांट निकला हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं देख रही हूँ कि ये क्या चीज़ का है, तो मैं इसे छोड़ दूँगी। और इस तरीके से मैंने 9 o'clock को सेव करके रखा था ज़मीन में, तो यहीं से ले लेके फ्रेंड्स लगाऊँगी। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। और एक ये प्लांट पता नहीं क्या चीज़ का है फ्रेंड्स, ख़राब हो रहा था तो ज़मीन में लगा दिया था। तो इस तरीके से मैं ज़्यादातर करती रहती हूँ कि जो ख़राब हो ज़मीन में लगा देती हूँ और वो लग जाता है। और इतना क्रिसैंथेमम के लिए फ्रेंड्स पता नहीं हमें कितना पॉट चाहिए था, लेकिन देखिए मैंने ज़मीन में लगा दिया तो कितने अच्छे से सेव भी हो गया। और ना जाने इसमें से कितने सारे प्लांट निकलेंगे फ्रेंड्स। और कॉस्मस की सीड फ्रेंड्स, एक प्लांट को मैंने लगाया था तो उसी से जम जम के ढेर सारा निकल रहा है। तो एक बार बस कॉस्मस वगैरह ले कर आइए और फिर ये कभी आपके गार्डन जाता नहीं है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाऊंगी कि एक से कितना सारा सीड मैंने रखा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हर जगह बथुआ निकला हुआ है, तो आज इसका सीड को मैं कलेक्ट करूंगी। लेकिन उससे पहले ही मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसके सीड को। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यही इसका सीड है। तो आप इस तरीके से तोड़ के रख दीजिए इसके सीड को निकाल के, अगले साल ढेर सारा ये निकले। तो चलिए अब हम यहाँ चलते हैं और सारे ये सब घास को निकाल लेते हैं और गुड़ाई करके फिर करेला को लगाएंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और देखिए फ्रेंड, धूप को मैंने लगा दिया था, कितना हेल्दी हुआ। और ये धूप मैं कलकत्ता काली मंदिर से फ्रेंड्स लेके आई थी, थोड़े से अपने पर्स में डाल ली थी फ्रेंड्स, और मैं इसे फ्लाइट में रख के लेके आई थी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाएं, अगर कुछ भी दिखे तो लेके आएं फ्रेंड्स। और आपको पता ही है कि धूप कितना ज़्यादा शुभ होता है। और एक कनेर का फ्रेंड्स ये देखिए हाइब्रिड कटिंग लगाया है, ये भी लग गया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, देर नहीं करते हुए मैं इधर आ जाती हूँ और घास को निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सबको हम निकाल लेंगे। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर हम गुड़ाई कर देंगे फ्रेंड्स। और एक डहेलिया ख़राब हो रहा था तो यहाँ पे लगा दिया है फ्रेंड्स, और इसी बहाने ये गुलाब में भी गुड़ाई हो जाएगी फ्रेंड्स। और इसको हम यहाँ पे डालते चलेंगे। तो बस इसी तरीके से मैं एक एक दिन में फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। और तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। और अगर किसी को बुलाती हूँ फ्रेंड्स, तो एक तो समय से आता नहीं है, और आएगा भी फ्रेंड्स तो फिर इतने सफाई से काम नहीं करता है जितना कि हम अपना कर लेते हैं फ्रेंड्स। और मुझे फ्रेंड्स थोड़ी सी सफाई चाहिए होती है, कोई काम करो तो अच्छा।
अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो भी करती हूँ आप देखते ही होंगे कि साफ़ सुथरा ही मुझे पसंद है फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह हमारा ये फिजिकल वर्क भी हो जाता है। वैसे मेहनत तो फ्रेंड्स बहुत लगती है, लेकिन हमारा फिजिकल वर्क भी एक्सरसाइज भी हो जाता है। और बीच बीच में फ्रेंड्स मैं रुक रुक के अपना एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही हूँ और चाय वगैरह भी पी रही हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह का ये, अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं फ्रेंड्स तो सारा काम आपका हो जाता है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम फ्रेंड्स अब जो है गार्डन में ही बीतता है। और होली भी आ गई है तो थोड़ी सी सफाई भी करनी है फ्रेंड्स। तो एक एक कमरे को मैंने शुरू भी कर दिया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से फ्रेंड्स सभी को मैं उखाड़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, और वहाँ से करते आ रही हूँ फ्रेंड्स। तो और देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है। इतने बड़े बड़े हमें कभी भी नर्सरी में नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गुड़ाई करते आ रही हूँ। और ये मेरा करेले का सीड है जो कि मैंने घर के करेले से ही निकाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लगाऊंगी और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि, और दो दो सीड एक ही जगह इस तरीके से डाल दूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, तो इधर धूप आएगी फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और छत पे तो फ्रेंड्स बहुत ही जगह है, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं यहीं लगा दे रही हूँ। ये देखिए दो दो सीड। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने उधर गुड़ाई करके करेला को लगा दिया। और साइड साइड में ये देखिए, चटने के लिए मेरे पास ये नेट रखा हुआ था, उसे लगा दिया है फ्रेंड्स। तो बस आज का मेरा ही गार्डनिंग वर्क था कि आज मैंने वेजिटेबल को लगाया है। और अपने इस जगह का छोटी सी पीछे जो साइड में गुलाब की जगह था उसका यूटिलाइज किया है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी गार्डनिंग करें, थोड़ी सी भी जगह रहे। तो यहाँ पर अब धूप बहुत आएगी, तो मैंने करेले की सीड को लगा दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और चढ़ने के लिए भी व्यवस्था कर दिया है, ये मेरे पास नेट रखा हुआ था तो इसी को मैंने लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके से मैं गार्डनिंग करती हूँ और आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ फ्रेंड्स। और थोड़ी सी सावधानी से फ्रेंड्स, नहीं तो देखिए ये थोड़ा सा गुलाब का कांटा भी धंस गया है फ्रेंड्स, क्योंकि उधर जगह बहुत कम थी और गुड़ाई करने में, पौधे को लगाने में, फिर उस नेट को रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैंने कर लिया फ्रेंड्स। तो जो हम करना चाहते हैं फ्रेंड्स उसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे हम कुछ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस आप भी इसी तरीके से करें। तो अब मैं थोड़ी बहुत सब्जियों को लगा रही हूँ, और कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारे घर से ही सीड निकला हुआ रहा है फ्रेंड्स। जैसे टमाटर का, मिर्च का, ये सब का सीड मैं घर से ही ले लेती हूँ, किसी भी चीज़ का फ्रेंड्स। तो बस आज की मेरी यही वर्क थी। और ये देखिए इतने सारे टमाटर भी जो मैंने लगाया था, आपसे शेयर भी किया था, तो कितने सारे टमाटर निकले हुए हैं फ्रेंड्स। और इधर देखिए चिड़ियों के लिए पानी रखा है, और इसी पे चिड़िया आके नहाती है और इसी पे बैठ जाती है और इस पेड़ पे भी बैठती है। तो बस इस तरीके से ही आप गार्डनिंग कीजिए फ्रेंड्स। और इधर भी देखिए कितने सारे टमाटर निकले हुए हैं, तो इसे मैं छत पे ले जाके सेट कर दूँगी। तो बस आज की मेरी यही वीडियो थी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को।